पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वो है नर नारी की समानता। कोई भी कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होता, उसे माँ देवी शक्ति का अवतार माना गया है। परंतु यह भी कटु सत्य है कि हर युग में नारी का तिरस्कार होता रहा है, चाहे वो सतयुग, त्रेता युग और कलयुग। हमारी आज की प्रस्तुति ये दर्शाती है जब भी नारी का अपमान होगा उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। पितामह, प्रतिस्पर्धा से पहले विधि पूर्वक पूजा की जाए। अवश्य। Thank you.
शुरू की जाए? सबसे पहले गदा युद्ध होगा, कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से भीम भाग लेंगे। से बढ़कर एक योद्धा हो। अब आप अर्जुन के बाणों का चमत्कार देखिए। मैं हरि सभा में यह ऐलान करता हूँ कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धारी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य चुकाऊंगा। क्यों चाचा श्री, अब तो हम युद्ध कर सकते हैं ना? अवश्य युद्ध शुरू किया जाए। इस प्रतिस्पर्धा में भी कोई नतीजा नहीं आया। सभी योद्धा अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुशल हैं और आज मैं इस भरी सभा में यह ऐलान करता हूँ कि कुंती पुत्र युधिष्ठर को युवराज बनाया जाए। कुंती पुत्र युधिष्ठर की जय! कुंती पुत्र युधिष्ठर की जय! मन वो पछताया।
ग्रह में एक सुरंग बनवाई है, आप सबको उसमें से रातों रात निकलना है। दिन जंगल में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाओ। बात मान कर कुंती के संग निकल पड़े पांचों भाई, गंगा पार कर पहुंच किनारे, जे आगे जंगल और खाई, जे आगे जंगल और खाई। बस ब्रादर श्री, अब मुझसे यार नहीं चला जाता, मैं बहुत थक चुका हूँ। एक भाई जाग पहरा देगा, दिल कर ये युग की लड़ाई, खतरे से खाली नहीं यहाँ, आप गए पांचो भाई, आप गए पांचो भाई। भीम रात को जाकर पहरा देते हैं, तभी उन्हें दूर से संगीत की आवाज सुनाई देती है, जहाँ हडिंबा अपने जंगली साथियों के साथ नृत्य कर रही है। उस पर
जान बचाई है, तब वो उसकी ऋणी हो जाती है और उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। वह सब जंगल में ही ठहरते हैं और एक दिन अचानक उनसे मिलने केशव आते हैं। फूल देखकर दूर से पहले पांडव घबराए, फूल देखकर दूर से पहले पांडव घबराए, पास आए जब केशव उनके मन ही मन वो हर्षाए, पास आए जब केशव उनके मन ही मन वो हर्षाए, मन ही मन वो हर्षाए, मन ही मन वो हर्षाए। केशव आप यहाँ कैसे? मैं पांचाल देश जा रहा था, जहाँ मेरी बहन द्रौपदी का आज स्वयंवर है, और मैं चाहता हूँ अर्जुन कि तुम सब मेरे साथ पांचाल देश चलो। जैसी आपकी आज्ञा। केशव के संग निकल पड़े पांचों भाई, द्रौपदी के संभर की थी जा सभा बुलाई, मछल की आंख निशाना है सुनो सब भाई, प्रतिबिंब को देख निशाना जो लगाएगा, द्रौपदी को वही युवराज अपना बनाएगा, द्रौपदी को वही युवराज अपना बनाएगा। जहाँ अनेक युवराज द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में उपस्थित हैं। मैं दृष्टद्युम्न इस सभा में सभी वीरों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक राजा ने आकर अपना हुनर दिखाया, सबसे पहले एक राजा ने आकर अपना क्या हो तो मैं लगाऊं निशाना। ब्राह्मण, हम क्षत्रियों का मुकाबला करेगा। अरे दुर्योधन, जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो वो कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि पांडु पुत्र अर्जुन है। अर्जुन? अर्जुन, पर तुम तो भांजे। मामा श्री, केवल अर्जुन नहीं बल्कि पांचों पांडव जिंदा है जिंदा। अर्जुन, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, लगाओ उस मछली की आंख में निशाना। जैसी आपकी आज्ञा। विजयी भव।